मैं दिनेश कुमार शुक्ला, पूर्व प्रधान ETF हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान अपने क्षेत्र की समस्याओं की तरफ अवगत कराना चाहता हूँ। ETF क्षेत्र को विद्युत सप्लाई बलरामपुर जनपद से मिल रही है। बलरामपुर जनपद से ETF की 33,000 की सप्लाई आज़ादी के समय बनाई गई थी। 50 सालों के बीच में लोड तो बहुत बढ़ा, कनेक्शन बहुत बढ़े, आबादी बहुत बढ़ी, परंतु संसाधनों की कमी की वजह से आज आए दिनों हम क्षेत्रवासियों को बिजली की समस्याओं को लेकर के त्राह त्राह करना पड़ रहा है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विद्युत विभाग के जनपद और मंडलीय अधिकारियों की है, क्योंकि ये जानबूझ करके अपनी ऑफिस को छोड़कर क्षेत्र में जाकर ये नहीं देखना चाहते हैं कि किस समस्या से, किस समस्या का निदान किस स्तर पर कराया जाए कि क्षेत्रीय जनता को आक्रोशित ना होना पड़े, इन विद्युत समस्याओं से रूबरू ना होना पड़े। इसी कड़ी में ETF विद्युत सब स्टेशन पर लगी मशीनें जो 4 फीडरों में वितरित की गई हैं, 2 मशीनें लगी हुई हैं, 1 मशीन से 2 फीडर चलता है, 1 मशीन से 2 फीडर चलता है। प्रथम मशीन से जो फीडर बलरामपुर और खरगुपुर की लाइन को बनाया गया है, आज पिछले 1 हफ्ते से इस पर सप्लाई एक ही फीडर पर दी जा सकती है, दोनों फीडर एक साथ नहीं चल रहे हैं। विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से जब इसके संदर्भ में वार्ता की गई तो उन्होंने कहा इसका निदान जल्द करवा दिया जाएगा, लेकिन इसका निदान नहीं हो रहा है। यह एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि मिस्त्री के आने के बाद ठीक हो सकती है। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय का ध्यान इस छोटी सी समस्या पर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि ETF की जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कराया जाए और बलरामपुर से आने वाली 33,000 सप्लाई का विद्युत जर्जर तार जो बिल्कुल बेकार हो चुका है उसको बदलवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाएं। यदि समय रहते इन समस्याओं का निराकरण ना होगा तो हम क्षेत्रवासियों के साथ जन आंदोलित होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हमारी अपनी ही सरकार में आज हमें विद्युत समस्याओं के लिए रूबरू होना पड़ रहा है। मैं जनपद के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि महोदय आप लोग सुधर जाओ, नहीं तो जनता रोड पर आएगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन पर तुरंत क्लिक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बगल में सब्सक्राइब का भी बटन है, कृपया सब्सक्राइब पर जरूर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने का मौका पाएं।